लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पीट पीट कर हत्या करने की घटनाओं पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने गठित किया मंत्री समूह। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि देश भर में भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अलवर की मॉब लिंचिंग ने सरकार को वो कदम उठाने को मजबूर कर दिया जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया कि भीड़ की हिंसा रोकने पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में दूसरे महकमों के सचिव भी सदस्य होंगे। 4 हफ्ते में कमेटी रिपोर्ट देगी जिस पर मंत्रियों का समूह विचार करेगा। अलवर मॉब लिंचिंग की घटना पर राहुल गांधी ने कहा यह मोदी का क्रूर नया इंडिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहल करने की बात कह चुकी है। अलवर लिंचिंग पर गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट भी मंगाई है। इस बीच अलवर पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज रहे। राहुल ने ट्वीट किया, अलवर में मॉब लिंचिंग के शिकार मर रहे अकबर खान को सिर्फ 6 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाने में पुलिस को 3 घंटे लग गए। क्यों? उन्होंने रास्ते में टी ब्रेक लिया। ये मोदी का क्रूर नया इंडिया है जहां इंसानियत की जगह नफरत ने ले ली है और लोगों को पीट कर मरने को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल से लेकर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी तक ने जवाबी हमला किया। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, देश कोई अपराध होने पर हर बार खुशी से उछलना बंद कीजिए मिस्टर राहुल गांधी। राज्य सरकार ने पहले ही कड़ी और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दे दिया है। आप चुनावी फायदे के लिए हर तरीके से समाज को बांटते हैं और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। राजस्थान के अलवर में गौ रक्षा के नाम पर हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। स्मृति ईरानी ने भी अपने ट्वीट में राहुल की राजनीति को गिद्ध राजनीति बता डाला। इन सब के बीच संसद में मॉब लिंचिंग पर नया कानून बनाने की मांग फिर से उठी। कांग्रेस नेता और सांसद पी एल पुनिया ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में ये बेहद जरूरी हो गया है कि देश में एक नया कानून लाया जाए। राज्यसभा सांसद के टी एस तुलसी अब इसी हफ्ते प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आ रहे हैं। एनडी टीवी से बातचीत में के टी एस तुलसी ने कहा, मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल में पुलिस की जवाबदेही तय करने से लेकर पीड़ितों को मुआवजा देने तक का प्रावधान शामिल किया है। अब मैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये बिल तैयार कर लूँगा। भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर राजनीति और बयानबाजी ज्यादा और जमीन पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कम हो रही है। ऐसे में सभी के लिए ये समझना जरूरी हो गया है कि इस तरह की घटनाओं से निपटने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आगे चल देश के लिए घातक हो सकती है।